नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल सी रहेगी। यहाँ पर हमने ये कुर्ती पे नेक का ये मार्क दिया हुआ है, जहाँ तक हमारा ये नेक रहेगा उसका ये थोड़ा शेप दिया है। फिर सेंटर में हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सीधी लाइन के लिए हमें यहाँ ये स्क्वायर में पीसेस लेने हैं। फैब्रिक में जो प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाइट कलर का पीस लिया है, जिसमें ये स्क्वायर के पीसेस हमारे 2.75 इंच के हैं। और फिर इसकी ट्रायंगल बनाने हैं। इस तरह से हमने ये सारे ट्रायंगल्स बनाने हैं यहाँ पर। ट्रायंगल्स बनने के बाद इनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम ट्रिम करेंगे, ताकि इसमें जो ये ज़्यादा कुर्पन ना रहे हम जब इसे अटैच करें तब। सिलाई के जिस पास से यहाँ इसे कट करेंगे। कट करने के बाद इन पीसेस को हमें यहाँ पर अटैच करना है। सेंटर की जो लाइन है वहाँ दोनों साइड में, और जो हमारे ऊपर की नेक लाइन है उसे थोड़ा सा इस तरह से नीचे लेते हुए एक के बाद एक इसे अटैच करना है। यहाँ पर ये हमारी फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती है, तो ऊपर की चोली के भाग तक जितना आएगा यहाँ पर उतना अटैच करना है। यहाँ पर ये चार पीस आए हैं। उसके बाद में दूसरी साइड में ही ऐसे ही ये हमें ट्रायंगल्स को स्टिच करना है। इस तरह से दोनों ये पीस अटैच हो गए हैं। अभी सेंटर में जो हमारा मार्जिन है उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है। दोनों साइड से फोल्ड करके फिर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और इस खुले भाग पे हमें सिलाई लेनी है। इस सिलाई लेने के बाद एक साइड का हिस्सा हमें यहाँ पर फिनिशिंग वाला रखना है, इसलिए पट्टी को अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई ली है। अभी इस पट्टी को हमें यहाँ पर इसके ऊपर रखना है। जो फिनिशिंग वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से इसको शुरू करेंगे सिलाई लेना। सेंटर का जो हमारे इन ट्राइंगल्स का अनफिनिश्ड हिस्सा है वो इस पट्टी के नीचे दब जाएगा। एक साइड में सिलाई लेकर दूसरी साइड में हम सिलाई लेंगे। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल का अंदर का हिस्सा सेंटर में ये दब जाएगा। अभी हमें नेक की फिनिशिंग देनी है यहाँ पर। यहाँ हमने बॉट नेक की फिनिशिंग दे दी है, और उसके बाद में ट्रायंगल्स के ये जो एंड है, कॉर्नर्स है, वहाँ पर हम ये मोती अटैच करेंगे, जिससे ये ट्रायंगल्स यहाँ पर एक जगह स्टिफ रहेंगे। इस तरह से ये ट्रायंगल्स पे हमने मोती को चिपका दिया है, अटैच कर दिया है। उसके बाद में ये थोड़ा बड़ी साइज के ये जो मोती है, बटन के मोती, वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और एक ट्रायंगल्स के बीच में यहाँ पर देखिए पांच पांच ट्रायंगल्स आए, ये मोती आए हैं हर एक ट्रायंगल के बीच। और ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, पर इसका लुक बहुत सुंदर आया है। कोई भी प्रिंट के साथ आप इसमें कलर मैच ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।